जनरल सर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 105वां बर्थ एनिवर्सरी जन्मदिन मनाया गया है। हम ही सब यहाँ पर बैठ के कांग्रेस के सभी लीडर्स सब नेतागण और पूरे जने मिल के इंदिरा गांधी के बहुत सारे जने बात करें इंदिरा गांधी के बारे में। 1917 में जब उन्होंने पैदा हुए थे, सबसे सेकेंड सर्व ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने दिया है। 1966 से 1977 तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहा और सेकेंड टाइम 1981 से 84 तक उन्होंने सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बना। दुर्दैव 31 अक्टूबर 1984 में खुद का एक सिक्योरिटी गार्ड ने मैडम को गोली मारकर हत्या की गया। उस टाइम में बहुत सारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, उस टाइम में सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था हिंदुस्तान में, दूरदर्शन केंद्र था। उस टाइम में बहुत सारे जने उनके नाम पे मरे, उनके नाम पे बीमार गिरे। एक टीवी देखना है तो हज़ारों लोग, लाखों लोग एक एक टीवी के सामने बैठ के आंसुओं रोए, 8-8 दिन खाना नहीं खाए, वैसा एक माहौल उस टाइम में था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस तब गरीबी अगर किसी को मालूम है तो वो गांधी परिवार को मालूम है और कांग्रेस पार्टी को मालूम है। आजकल के जो बीजेपी वाले हर चीज़ हमने किया है बोल के बोल रहे हैं। उस टाइम में ना एक मोबाइल था, ना एक टीवी था, ना एक रेल था, एक प्लेन था। हर टाइम कांग्रेस पार्टी ने हर युगत इंदिरा गांधी और जन्मदिवस कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमिटी दौरु ऑर्गनाइज माडिदरु। 19 नवंबर 1970 और हुटंबत डेटु अद नंतर और प्राइम मिनिस्टर आदरु इस देश दा मत बड़ोर बग्गे बैंक नेशनलाइजेशन लैंड सीलिंग वाले वाले कार्यक्रम बर बड़ोर सलवागी तंदु ई देशद बहळ दोड्ड परिवर्तन केलस अवर कालदाग आगित्तु। इवत्तु अवरिगे नेम बर्तद नमगे आवाग इवरु मेदकदिंद आ टाइमिगे 1980 अवरिगे अद बंदित्तु। ಈ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ। ನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ಆಯಿತು 9 ಆವಾಗ ಬರೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬೀದರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದಾಗ। ಬೀದರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮ್ಯಾಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಇದೇ ಇತ್ತು। ಅದಕ್ಕೂ ಅವರೀಗ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೊಡಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಇಂದಿರಾಜಿರವರ 105ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂದಿರಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇವತ್ತೇನದ ಭಾಳ ಜರೂರಿ ಅದ ರೀ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಜಗಳಗಳು ಹಚ್ಚೋದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದವ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಯಾರದು ಇಂದಿರಾಜಿಯವ್ರದ್ದು। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಜರೂರಿ ಇದೆ। ಧನ್ಯವಾದ। ಆಜ್ ಔರ್ ಉಸ್ ದಿನ ಮೇ ಬಹುತ್ ಫರಕ್ ಹೈ। ಆಜ್ ಕಾ ಜೋ ಮಾಹೋಲ್ ಬನಾ ಹೈ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಮೇ ವೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜೋ ಹೈ ಘೃಣಾ ನಫರತ್ ಕಾ ಏಕ್ ಮಾಹೋಲ್ ಬನಾ ಹೈ
आज नफरतों का असर देखिए, जानवरों का भी बंटवारा हो गया, देखते देखते गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। आज आज वो माहौल बन गया है कि धर्म और मज़हब के नाम पर रंगों का भी बंटवारा हो गया, लाल हिंदू और हरा मुसलमान हो गया। अब वो दिन दूर नहीं जब सारे सब्जी मुसलमान हो जाए, सिर्फ गाजर और टमाटर हिंदू रह जाए। अब पता नहीं बेचारा खरबूजे किसके हिस्से गया, वो तो बाहर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह गया। आज बहुत एक नफरत का माहौल बना है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए और ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आज का जो झूठ का एक बोलबाला चल रहा है उसका काउंटर करने के लिए सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सही है।